हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और गाइस जो भी चैनल बने हैं वो जल्द से आगे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस, आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीम कोऑर्डिनेशन के बारे में। तो गाइस, टीम कोऑर्डिनेशन होता क्या है और टीम कोऑर्डिनेशन अगर आपकी टीम में हो तो आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं और आपको अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कैसे करना है, मतलब आपको अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे बनाना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस, सबसे पहले अगर आपको कोऑर्डिनेशन बनाना है अपनी टीम के साथ तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी होगी कि आपके चारों टीममेट अपना माइक ऑन रखें हमेशा। हमेशा मतलब हमेशा, चाहे आप रैंक खेल रहे हो या कोई प्रैक्टिस कस्टम, आपके हर एक बंदे का माइक हमेशा खुला होना चाहिए जिससे वो आपको इजीली कॉल दे सकेगा। जब उसको कोई एनिमी की स्क्वाड या एनिमी स्पॉट होगा तो वो आपको इजीली एंड फास्टली बता सकता है कि एनिमी की स्क्वाड इतनी डिग्री में या ये कंपाउंड उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है, जिससे आपके आईजीएल को डिसीजन लेने में और भी ज्यादा आसानी हो जाएगी और वो आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ खिला सकता है। तो अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टिप की, जो है आपको अपने लीडर की बात माननी पड़ेगी। जो भी वो बोलेगा कि हमको इस टाइम पे रोटेशन लेना है, इतने से इतने टाइम के बीच आपको जो लूट फिनिश कर देनी है और इतने से इतने टाइम के बीच हम फाइट लेंगे या कब हमको बैक ऑफ करना है, वो सब लीडर बताएगा आपको। और आप सभी को लीडर की बात माननी होगी और लीडर की बात मानने के साथ साथ आपको अपनी लूट शेयर करनी होगी। मतलब जैसे आपने लैंड किया उसके बाद लीडर कुछ टाइम देगा आपको, उस टाइम के बीच में आपको जितनी लूट हो सकती है उतनी लूट कर लेनी है। फिर उसके बाद आपको रोटेशन लेना है। रोटेशन लेने के बाद जब आप एक कंपाउंड होल करोगे, मतलब एक घर पे बैठोगे, तो वहां पर आपको अपनी लूट शेयर करनी है जितनी आप कर सको, जिससे हर प्लेयर पे एक अच्छी लूट हो जाएगी। और अगर आपके सारे प्लेयर पे अच्छी लूट है चारों को चारों प्लेयर पे, तो बस आपकी स्क्वाड को मारना थोड़ा टफ होगा और सामने की स्क्वाड इतनी जल्दी आपकी स्क्वाड को वाइप आउट नहीं कर पाएगी। और अगर सामने वाले बंदों ने लूट शेयर नहीं की होगी या उन पर प्रॉपर लूट नहीं होगी तो गाइस आप उन पर डोमिनेंट आराम से कर सकते हैं। और गाइस, कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए आपको 2 घंटा कम से कम 2 घंटा अपनी स्क्वाड के साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और वो भी ऐसे कोई रैंक में जाके कुछ प्रैक्टिस नहीं हो पाती है तो आपको प्रैक्टिस कस्टम खेलने पड़ेंगे। और अगर आपको पता नहीं है कि आपको प्रैक्टिस कस्टम कैसे खेलने हैं, मतलब कहां से आपको उसमें रजिस्टर करना है और कहां पर आपको आईडी पास मिलेगा, तो अगर आपको डिस्कॉर्ड चलाना आता है तो बहुत सारे सर्वर होते हैं, आप किसी भी टूर्नामेंट प्लेयर से पूछ लेना, वो आपको बता दे। तो गाइस अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड टिप के ऊपर, जो है स्काउटिंग। मुझे पता है आप में से काफी ज्यादा बंदों को ये नहीं पता है कि स्काउटिंग होती क्या है, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि स्काउटिंग होती क्या है। इसमें मैं आपको इतना डीप नहीं समझाऊंगा स्काउटिंग के बारे में कि आप स्काउटिंग कैसे कर सकते हैं, कुछ टिप्स उसके बारे में, ये सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ स्काउटिंग के ऊपर ही, तो गाइस उसको देख लेना। अगर आप चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करता हूँ। तो गाइस स्काउटिंग आपके कोऑर्डिनेशन के लिए, आपकी टीम की कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे ज्यादा मेन रोल प्ले करती है। हाँ गाइस, अगर आपको स्काउटिंग आती है तो गाइस आपकी टीम का कोऑर्डिनेशन थोड़ा और अच्छा हो सकता है। तो गाइस आपको स्काउटिंग सीखनी चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़ा बहुत स्काउटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो गाइस स्काउटिंग एक बहुत ज्यादा मेन रोल प्ले करता है आपकी स्क्वाड का कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए और यूं कहूं तो आपको एनिमी से बचाने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और वो कैसे, तो गाइस स्काउटिंग का मतलब होता है कि आप बंदों की इंफॉर्मेशन अपने पास कितनी रख रहे हो। मतलब जो आपके सामने कोई टीम बैठी है आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, लेकिन जो एनिमी है उसको आपके बारे में नहीं पता होना चाहिए। गाइस इसी को स्काउटिंग कहते हैं। और आपको स्काउटिंग ऐसी करनी है कि बंदे को सामने पता ना चले कि आप पूरी स्क्वाड की इंफॉर्मेशन ले रहे हो। मतलब स्काउट से आपको इतना पता लग जाएगा कि आपके एनिमी पे कौन सी वेपन है और वो किस टाइम पे कहाँ को जाना प्रेफर कर रही है। और भी काफी ज्यादा चीजें आपको स्काउटिंग करने से सामने वाले एनिमी की पता चल जाती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको स्काउटिंग आनी चाहिए। मैं इसके बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा उसकी, तो गाइज उसको जरूर से देख लेना। स्काउटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गाइज, तो इसको हल्के में मत लेना। तो अभी यहाँ पर तो हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। तो अब हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, और वीडियो को लाइक करते हो जाए। We'll be right back.